सेक्रेटरी बर्ड को इस इलाके में रहने वाले सांप और छिपकलियों को पकड़ने में महारत हासिल है। अपनी लंबी टांगों की मदद से यह जहरीले सांपों को भी आसानी से पकड़ लेता है। सेक्रेटरी बर्ड्स गहरा और पेचीदा घोंसला बनाते हैं जिसके चारों तरफ कांटेदार अकेशिया होता है ताकि जब माता पिता खाना लेने बाहर जाएं तो बच्चे सुरक्षित रहें। एशिया और प्रेरी घास के साथ साथ इस जंगल में मोपाने पेड़ों की बहुतायत है। इन पत्तेदार पेड़ों की ऊंचाई 8 मीटर तक हो सकती है और ये जिराफ्स, राइनोज और एलिफेंट्स का पसंदीदा भोजन है। मादा के नेतृत्व में हाथी परिवार पानी और खाने की तलाश में लगातार घूमता रहता है। झुंड की उम्र दराज मादा अपने झुंड को आसपास मौजूद पानी की उन जगहों पर ले जाती है जो उसे पिछली पीढ़ियों ने दिखाई थी। इटोशा में अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी रहते हैं। इस इलाके में रहने वाले बड़े नर की ऊंचाई 4 मीटर और वजन 7,500 किलोग्राम हो सकता है। यहां पर लगभग 2,000 रेगिस्तानी हाथी हैं जो पानी की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। हाथी की खाल मोटी होती है, इसे रोज 120 से 250 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। सदर्न विंटर में पड़ने वाले इस सूखे में ऐसे पानी के तालाब हाथियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मुश्किल हालात में सबको लंबा सफर तय करना पड़ता है, कई तो 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पानी के पास पहुंचते हैं जहां वो बारी बारी पानी पीते हैं। उन्हें इतना पानी पीना चाहिए कि एक दिन शांति से निकल जाए। कई बार तो हाथी को कई दिनों तक पानी नहीं मिलता। रेगिस्तानी हाथियों ने अपने आप को हालात में ढाल लिया है, वो बिना पानी के 4 दिन तक रह सकते हैं।
हाथी अपनी याददाश्त की मदद से हर पुराने पानी के चश्मे पर पहुंच जाते हैं। वो अंडरग्राउंड रिवर बेड्स का भी पता लगा लेते हैं और उसे खोदकर पानी बाहर निकालते हैं, जो उनके साथ साथ दूसरे जानवरों के काम भी आता है। ऐसी हर जानकारी एक माँ अपने बच्चों को देती है और ये सब जीवन की शुरुआत के वक्त से चल रहा है।